हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होने चाहिए और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक छोटा सा किचन गार्डन, जो मेरा 2021 का फर्स्ट किचन गार्डन है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। तो ये मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में और मैं दिखाती हूँ आपको। आज तो वेदर भी बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले मैंने क्या क्या उगाई हैं चीज़ें। और जो मेरी मेथी है, जिसके आज, हाँ सबसे मेन चीज़ तो मैं बताने भूल गई, तो आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी के परांठे, जो मैंने घर में ही उगाए हैं, जिसे मैं नाम देने वाली हूँ ऑर्गेनिक मेथी के पराठे। यस, क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक है, क्योंकि घर में ही उगाई है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी बताती हूँ और आप लोगों से भी अपनी हैप्पीनेस शेयर करती हूँ। तो मैं ला गई हूँ ये, तो मैं इसमें ही थोड़ा बहुत ज़्यादा मेथी ले रही हूँ, लेकिन जो मेरा ये बर्तन है जिसमें मैं लूँगी मेथी, ये बहुत बड़ा है, बट नेवर माइंड, क्योंकि मेरे पास यही था तो मैं इसी में लेती हूँ मेथी को। तो मैं काटूंगी सीजर से। तो ये मैंने अपने दोनों छुबी गमले से निकाल ली है मेथी, और मैंने थोड़ा सा, कुछ लोग होते हैं जो जड़ के साथ ही निकाल देते हैं, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि वैसे भी हम इसमें नेक्स्ट टाइम दोबारा से ही डालूंगी। तो इसको अब मैं थोड़ा सा अच्छे से पूरी जो ये मिट्टी है उसको मिला करके फिर बाद में ही थोड़ा सा खाद का काम भी कर लेगा। तो जैसे ही थोड़ा सूख जाए तो उसके बाद मैं अगेन मेथी इसमें डालूंगी। ये है फाइनली मेथी। और ये रायन अपनी मस्ती, ये तो फुल टू मस्ती में लगा हुआ है ना रायन? रायन रायन, सबको हाय कर दो आज। तो अब बनाएंगे हम मेथी के पराठे। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको अच्छे से वॉश करूंगी। तो मेथी धुल चुकी है, मैंने अच्छे से इसमें जो भी थोड़ा बहुत मर्ट थी वो अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। अब इसको काटूंगी। तो इसको मैंने अच्छे से धुल लिया है। तो जो मैंने ये वॉश करके रखी है, अब मैं उसे कट करूंगी थोड़ा थोड़ा करके। जो ये वाली स्टिक, तो उसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि जब हम आटे के साथ उसको मिलाते हैं तो जब हम पराठे बनाते हैं तो मुंह पे आता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो जो थोड़ा सा जिसमें जो इसमें एक दो ये पत्तियां हैं तो वो मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद जो नीचे का होता है, ये पूरी लीव्स इसमें है, तो उसको अच्छे से बारीक बारीक काट लेती हूँ।
तो सबसे पहले मैं जो व्हीट फ्लोर है वो ले रही हूँ, जो नॉर्मल आटा हम लोग यूज करते हैं, तो मैं 2 कप लूंगी। तो मैंने 2 कप ये ले लिया है। उसके बाद जो मैंने मेथी काट के रखी वो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। तो मैंने इसमें जो मेथी काटी थी वो डाल दी है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे मिक्स कर दूंगी। उसके बाद हमें इसमें जो भी स्पाइस ऐड करने हैं वो डालूंगी मैं इसमें। तो सबसे पहले मैं डालूंगी लिटिल बिट हल्दी। हल्दी तो हमें वैसे भी डालनी चाहिए और आज क्योंकि वैसे जो टर्मरिक होता है उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, हेल्थ बेनिफिट, तो ये वैसे भी अच्छा होता है खाने के लिए, तो हमें यूज़ करना ही चाहिए। उसके बाद मैं डाली हूँ कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर जिसे बोलते हैं, तो 1/2 टीस्पून में वो डाल रही हूँ उसमें धनिया पाउडर। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप स्पाइसी लेवल रखते हो आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। तो आज मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डालूंगी, तो मैं लाल मिर्च की जगह डाल रही हूँ हरी मिर्च, क्योंकि टाइम दिखाएगा तो फिर मैं ज्यादा नहीं डाल रही हूँ। हरी मिर्च भी मैंने बहुत थोड़ा सा ही ऐड की है। अगर आपको स्पाइसी ज्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हो। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें जो गरम मसाला होता है वो ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। एंड सॉल्ट, यस रायन। तो सॉल्ट मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है। यस रायन, रायन मुझसे जॉनी जॉनी वाली रायन बुलवा रहा है। और उसके बाद मैं ऐड करूंगी जो सबसे मेन है अजवाइन, जो होता है अजवाइन, वो ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इसमें अजवाइन ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून। तो अब इन सबको अच्छे से मिला दूंगी। उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा जो हम डेली वेजिटेबल ऑयल होता है जिससे भी आप सब्जी बनाते हो तो वो ऐड करना है। तो हम ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, तो मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ उसमें थोड़ा सा। इससे क्या होता है कि जो पराठे होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो मेरी जो हेल्थी मेथी पराठे का डो रेडी हो रहा है, तो बनाते हैं डो। तो हमें थोड़ा थोड़ा वाटर डाल करके इसमें ऐड करना है, क्योंकि आप एक बार में अगर ज्यादा डालोगे तो फिर वो गीला भी हो सकता है डो, क्योंकि हमें पराठे के लिए ज्यादा गीला नहीं करना है। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको इसमें वाटर ऐड करना है। अब इसे मैं 1/2 आवर के लिए थोड़ा रहने दूंगी जिससे जो डो है वो सेट हो जाए। और आटा तो मैंने रख लिया है, अब 15-20 मिनट में हो जाएगा, तो तब तक आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे आप लोगों से करनी थी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वीडियोस का कि आपने कब अपलोड की, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो जब सब्सक्राइब जो बटन होता है उसके बगल में ही बेल आइकन होता है, तो आपको जस्ट वो भी प्रेस करना है जिससे आपको मेरी जितनी भी वीडियोस हैं जैसे ही मैं अपलोड करूंगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। बस इतना सा ही काम है, ये जरूर करें।
सबसे पहले मैं रायन के लिए बनाऊंगी छोटी सी बिल्कुल, क्योंकि रायन को अपने आप ही अच्छा लगता है खाना। अगर कभी कभी वो खास कहता है कि मुझे बोलता है खिलाने के लिए, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि उसको खुद बना करके दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने रायन के लिए बिल्कुल छोटी सी छोटा सा बनाया हुआ है। तो ये रायन का पराठा बन रहा है। मैं रायन को खिला रही हूँ, देखते हैं रायन को पसंद आता है या नहीं आता है। रायन तो टीवी देखते देखते ही अभी पराठे का आनंद ले रहा है। नहीं रायन, और उसको बटर पसंद है तो पहले बटर ही खा रहा है। तो गाइज ये था आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। रैन बाय कर दो सबको। अभी रैन बाय नहीं करेगा क्योंकि वो अभी टीवी देखने में बिजी है। तो रैन के बदले भी मैं ही बाय कर लेती हूँ सबको। बाय बाय एवरीवन।